सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगाया है, लेकिन अभी भी ये बाजार में खुलेआम प्रयोग में लाई जा रही है। आजमगढ़ में आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरह से पॉलिथीन थैलियों का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धीरे धीरे जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये थैलियाँ बनती हैं रोक वहाँ लगानी चाहिए। न थैलियाँ बनेंगी और न ही बाजार में आएंगी। और ये भी कहना है कि छोटे छोटे दुकानदार इन्हीं थैलियों के कारण व्यापार कर पाते हैं। लोगों को चाहिए कि अपने साथ झोला या कपड़े का थैला लेकर चलें। प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए और बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बहुत पहले ही बैन हो जाना चाहिए और हर जनता को भी अपने से सोच समझ के प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज जो कचरा शहर में आप देखेंगे प्लास्टिक के वजह से ही है। अगर अभी बारिश हो जाए तो हर नाली जाम हो जाता है, हर मोहल्ले में जाम हो जाता है, केवल मात्र प्लास्टिक की वजह से। प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनको अपना पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है, तो अगर थैले में प्लास्टिक के थैले में सामग्री नहीं देंगे उनको दो पैसा नहीं आएगा, उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। प्लास्टिक पे सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम बैन ऊपर की कंपनियों का करना चाहिए जहाँ पे प्लास्टिक तैयार होती है। सरकार जो कर रही है प्लास्टिक पे बैन, वो बिल्कुल सही कर रही है, हम उसके पक्ष में हैं, होना भी चाहिए। लेकिन जो पहले से ही प्लास्टिक है, फैक्ट्रियाँ बंद करानी चाहिए या सिंगल प्लास्टिक के ऊपर जो बैन लगा दिए हैं तमाम दुकानदार लेके रखे हुए हैं, अभी तक तो सुविधाजनक रही है, लेकिन एक बैग इस तरीके का कर देना हमको नहीं लगता है कि बहुत उचित है। धीरे धीरे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता जो है नासमझी का परिचय देती है, प्लास्टिक को बंद करके जो कूड़े कबाड़ या खाने की सामग्री फेंक देती है, जानवर खाते हैं, नुकसान उनके ऊपर होता ही है, लेकिन इस पर धीरे धीरे कार्य होना चाहिए। जागरूक होगी जनता, हमारी जागरूक हो चुकी है, लेकिन एक बैग लगाम लगा देना ये उचित नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।